दोस्तों वैसे तो मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल फिनिश कर दी थी, लेकिन आज मजबूर कर दिया किसने उससे भी आपको मैं मिलवाती हूँ। तो मैं आई हुई हूँ हल्द्वानी, और हल्द्वानी में हम सारी की सारी देवरानियाँ जेठानियाँ जो आज मार्केट घूमने गई, खूब सारी शॉपिंग करी, और जब हम वापस आने लगे तो हमसे टकराया कौन? कौन? अमन। अमन, तो ये है अमन। और अमन इतने इंटरेस्टिंग बंदे हैं, इन्होंने हमें बताया कि एक रैपर है और इनका प्रोग्राम 28 तारीख को ना भीमताल में इनके सारे ग्रुप्स का, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना इससे। तो ये है अमन। अमन अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ हल्द्वानी के ही रहने वाले हो? जी हल्द्वानी का हूँ मैं। कितने सालों से रह रहे हो हल्द्वानी? मतलब हमारे दादा नाना दादा के टाइम से, तब से रह रहे हो। और ये रैपिंग का कैसे तुम्हें मतलब शौक आया? ये रैपिंग का मतलब हम चार पांच दोस्त हैं, चार पांच दोस्त इकट्ठे बैठते हैं शाम को, ऑटो चला के कुछ अलग है। हाँ। जब शाम को हम इकट्ठे बैठ के रैप करते हैं, सारे शायरी लिखते हैं, रैप करते हैं, वीडियो लिखते हैं, काफी चीजें करते हैं हम। हाँ। दो हमारा 3-4 घंटे इसी में जाता है। अच्छा, वेरी गुड। कुछ तो आगे बढ़ने की करने की सोचा है, मतलब ये है 10 से 20 करो। आज ऑटो चला रहे हैं, कल और कुछ करेंगे। ऑटो कितने साल से चला रहे हो? ऑटो मुझे होगा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। अच्छा, अच्छा बिजनेस हो जाता है इसमें? हाँ जी जी, ठीक हो जाता है। चलो बहुत बड़ी, तो हमें मेरे दर्शकों को क्या सुनाना चाहोगे? आपके दर्शकों को अभी तो छोटा सा रैप याद है। हाँ बताओ। तो दोस्तों प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव आया, रैपिंग ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं प्रोग्राम्स करता हूं तो मुझे इतनी लंबी रैपिंग अभी याद नहीं है, तो ये अपनी बनाई हुई प्योर बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है ना अपनी शायरी सुनाएंगे। तो चलो शुरू हो जाओ बेटा। किसी की यादों ने पागल बना रखा है, कहीं मन ना जाऊं कफन सिला रखा है, दबाने से पहले दिल निकाल लेना मेरा, कहीं वो ना दब जाए जो दिल में छुपा रखा है। क्या बात है। और जो सलमान खान पे बनाई तुमने? सलमान खान के ऊपर बनाई थी, सुनना। वो शेर नहीं शेर खान है, उसकी खुद की एक अपनी अलग पहचान है, गरीबों के दिलों की वो जान है, वो ही सलमान खान है। क्या बात है। और एक और, जीते जी इंसान करता है राज, मरने के बाद तो लोग कहते हैं कल कैसा था और कैसा है आज। क्या बात है, क्या बात जो है। कल तक राज करता था वो कैसा है आज, सब लोग यही कहते हैं। सब लोग यही कहते हैं। तुम्हें खूब सारे आशीर्वाद, तुम खूब आगे बढ़ो और हमसे मिलते रहना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है?